वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं डाउट सेशन के बारे में। मतलब कि जितने भी इंजीनियर्स हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स लिया है, गुरुजी का खजाना कोर्स लिया है, उनके जो भी डाउट्स हैं उनको मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा। उसके साथ में ही जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं कि एक मकान बनाने में कितने ब्रिक्स लगेंगे, उससे रिलेटेड डाउट्स, आपके प्लास्टर में डिडक्शन के लिए जो तीन जरूरी पॉइंट्स होते हैं उससे रिलेटेड डाउट्स जो भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखे थे, वो डाउट्स को लेके आया हूं मैं। थर्ड वीडियो जो मैंने बनाया था वो बनाया था आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर पे, कि हम लोग कॉन्क्रीटिंग कराते वक्त जो वॉल्यूम निकालते हैं वाटर का वो कैसे निकालेंगे। तो ये तीनों वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, जहां पे आप ये वीडियोस को जाके देख सकते हैं, अपने कमेंट्स में आप डाउट्स पूछ सकते हैं ताकि मैं आगे और भी ऐसे वीडियोस ला सकूं आप लोगों के लिए, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप लाइक बटन दबा दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि और भी ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो मैं डाउट लेके आ रहा हूं वो पूछा गया है हमसे शाहबाज अंसारी जी ने, जिसमें उनका डाउट था कि सर अगर 5 बैग सीमेंट है तो वॉल्यूम 0.035 ही लेना है और 35.31 क्या है, क्यों लिए। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर देना चाहूंगा कि जो हमारा एक बैग का सीमेंट रहता है वो 50 केजी का होता है, जिसके लिए मेरा जो वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट होता है वो होता है आपका 0.035 क्यूबिक मीटर। अगर मैं इसको क्यूबिक फीट में देखूं तो 1.226 क्यूबिक फीट। यहां खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे 0.035 हम लोग निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग उस चीज को कैसे निकालते हैं। तो यहां पे मैं सबसे पहले आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो मेरा वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट होता है, वेट ऑफ वन बैग जो होता है वो 50 केजी का होता है। जो मेरी डेंसिटी होती है सीमेंट की, डेंसिटी ऑफ सीमेंट वो होती है आपकी, जैसे कि आप लोगों को पता है, 1440 केजी पर मीटर क्यूब। मेरे को यहां से वॉल्यूम निकालना है कि एक बैग ऑफ सीमेंट में कितना वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए जो हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। तो यहां से जो मेरा मास होगा वो मैं, जो मेरा सीमेंट का बैग का वेट है वो मैं लूंगा, कितना हो जाएगा वो 50 केजी। जो मेरी डेंसिटी ऑफ सीमेंट है वो है 1440 केजी पर मीटर क्यूब। यहां से इसको सॉल्व करने पे जो मेरा वॉल्यूम आएगा वो आएगा आपका 0.035 क्यूबिक मीटर। अब यहां पे जो 35.31 का जो केस हो रहा है वो कैसे हो रहा है कि हमको पता है कि एक मीटर में आपका 3.281 फीट होता है। तो अगर मेरे को एक मीटर क्यूब को अगर कन्वर्ट करना होगा क्यूबिक फीट में तो मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3.281 इंटू 3.281 इंटू 3.281। यहां पे इसको मल्टीप्लाई करने पे मेरे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 35.31 क्यूबिक फीट। अब यहां पे जो मैंने वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में आपको बताया, अगर मेरे को क्यूबिक फीट में चाहिए तो मैं क्या करूंगा उसको 0.035 इंटू 35.31, जहां से मेरे को वॉल्यूम जो मिल जाएगा वो क्यूबिक फीट में मिलेगा, जो कि होगा आपका 1.226 क्यूबिक फीट। तो इस तरह से हम लोग जो वॉल्यूम ऑफ वन बैग है उसको निकालते हैं। यहां से मेरे को पता चल गया कि 0.035 क्यूबिक मीटर है। अब यहां पे अगर मेरे को इसके लिए वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा। सबसे पहले मेरे को जो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है आपका वाटर सीमेंट रेशियो, जो कि जनरली वैरी करता है आपका 0.4 से 0.6 के बीच में। तो 0.4 से 0.6 के बीच में वैरी करता है, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिक्स डिजाइन के थ्रू पता चल जाएगा कि आपको कितना वाटर सीमेंट रेशियो मेंटेन करना है। सपोज अगर मैं इस केस में 0.5 का अगर मैं वाटर सीमेंट रेशियो मेंटेन करता हूं तो वाटर सीमेंट रेशियो मेरा हो गया 0.5।
अगर मेरे को वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना होगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए मेरे को जस्ट ये करना है कि जो मेरा वेट ऑफ वन बैग है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा वाटर सीमेंट रेशियो से। तो वाटर सीमेंट रेशियो से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा वैल्यू आया वो आया 25 kg और 25 liters, मतलब कि आपको एक बैग ऑफ सीमेंट में 25 liter पानी लगेगा। वहां से आप यहां से वॉल्यूम ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं। और ये एक इंटरव्यू क्वेश्चंस भी है जिसको आपको ध्यान रखना है अपने माइंड में कि एक बैग ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है क्यूबिक मीटर में और क्यूबिक फीट में। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि क्या होता है। चलिए चलते हैं वापस स्लाइड में। यहां पे ये डाउट हमारा क्लियर हो गया। चलते हैं दूसरे डाउट की तरफ जो कि पूछा गया है हमसे शुभांकर समानता ने, मतलब कि यहां पूछ रहा है सर अगर एरिया 3 square meter से ज्यादा है तब हम जैम्ब सॉफिट ऐड करना पड़ेगा, वॉल का थिकनेस 200 mm, सर उसमें डोर फ्रेम का थिकनेस रिडक्शन करके प्लास्टर करना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन में। यहां पे मैं आप लोगों को इसका पूरा कैलकुलेशन बताने वाला हूं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था IS 1200 पार्ट 12 के बारे में, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल लेके आया हूं। जैसे कि यहां हमसे रोमित गुप्ता ने पूछा है कि जब तक के प्रैक्टिकल करके नहीं बताएंगे तब तक समझ में 50% ही आता है। इवनिंग मिलते हैं सर जी विद प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। तो आपके लिए 50% मैं लेके आया हूं आपको समझाने के लिए कि क्या होता है रिडक्शन प्लास्टर में। तो उसको भी देखने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल चलिए देखते हैं कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं प्लास्टर के लिए। तो सपोज अगर मेरा एक रूम है जिसकी अगर मेरी लेंथ है 6 meter और ये वाली लेंथ है 4 meter, यहां के लिए मेरे को अगर डोर विंडो अगर मैं प्लेस कर दूं, सपोज मेरा यहां पे एक डोर है, जस्ट आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए, सपोज ये मेरा 2 by 2 meter का एक डोर है। कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं स्मॉल वैल्यूज ले रहा हूं, पॉइंट में नहीं ले रहा हूं। यहां पे सपोज आपका एक विंडो है जिसकी लेंथ है आपकी 1 x 1 meter, जिसके डायमेंशंस आपके 1 x 1 meter हो गए। यहां पे मेरा एक वेंटिलेशन है जिसके डायमेंशंस हो गए आपके 0.6 × 0.6 meter। अब यहां पे मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले अपने रूम का एरिया निकालना है मेरे को। तो सपोज अगर मैं रूम की हाइट अगर 3 meter मान लूं, तो 3 meter के लिए सबसे पहले मैं लेंथ निकालूंगा इस रूम का। रूम की लेंथ के लिए मैं सबको एक साथ रनिंग लेंथ में कैलकुलेट कर दूंगा। ये अगर डायमेंशन 6 meter है तो ये भी डायमेंशन 6 meter होगा, ये 4 meter है तो ये भी 4 meter होगा। तो वहां से आपकी जो लेंथ निकल के आएगी वो हो जाएगी 6 + 4 + 6 + 4, जो कि हो जाएगा आपका 20 meter। हाइट यहां पे मैंने लिया है 3 meter। 3 meter के हिसाब से अगर मैं एरिया ऑफ रूम निकालूं तो एरिया आ जाएगा मेरा 20 × 3, दैट इज 60 meter square। अब यहां पे जो हम लोगों ने IS 1200 पार्ट 12 का रेफरेंस लिया था कि अगर आपकी ओपनिंग 0.5 मीटर से कम होगी तो उस केस में आपको कोई डिडक्शन नहीं करना है। सेकंड, अगर आपका ओपनिंग 0.5 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर के बीच में है तब आपको 50% का डिडक्शन करना है। वही थर्ड पॉइंट, अगर आपकी ओपनिंग 3 मीटर स्क्वायर से ज्यादा है उस केस में आप लोगों को 100% डिडक्शन लेना है और एडिशन करना है जो भी आपके जैम्स सॉफिट्स और सील लग रहे हैं। तो इस केस में सबसे पहले मैं तीनों डायमेंशंस का एरिया निकाल लूं, तो मेरा वेंटिलेशन का जो एरिया आएगा वो आएगा 0.36 meter square। अगर मैं डोर का एरिया निकालूं तो वो आ जाएगा 4 meter square और विंडो के लिए जो मेरा एरिया होगा वो होगा 1 meter square। अब इनको अपन अपने जो 3 points है मेन उनके क्राइटेरिया में बैठाते हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो एरिया है वो 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है तो इसमें ना ही कोई सैम सॉफिट्स कुछ भी नहीं होगा, ना एडिशन होगा, ना इसमें कोई डिडक्शन होगा। सेकेंड, डोर में देखें तो डोर में मेरा 4 meter square आ रहा है जो कि आपका 3 meter square से ज्यादा का ओपनिंग है, तो यहां पे मेरे को 100% डिडक्शन करना है और एडिशन भी करना है। एडिशन किसका करना है, जैम्स सॉफिट्स और सील्स का। यहां पे जो मेरा विंडो है वो 1 x 1 meter है जिसका एरिया आ गया 1 meter square, जो कि आपका 0.5 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर के बीच में है, इसलिए मैं उसका 50% ही डिडक्शन करूंगा।
तो अगर मैं एरिया ऑफ ओपनिंग्स को एक साथ निकालूं तो मेरा जो एरिया ऑफ ओपनिंग होगा वो होगा, सबसे पहले मैं अगर विंडो लूं तो विंडो का 1 into इसको मेरे को कितना परसेंट करना है, 50%, तो मैंने 50% कर दिया। फिर प्लस वेंटिलेशन का लेंगे 0.36, इसमें कोई डिडक्शन नहीं करना है हमको। फिर डोर का एरिया लेंगे जो कि है आपका 4 meter square, जिसका मेरे को 100% डिडक्शन करना है। यहां से मेरे एरिया ऑफ ओपनिंग आ गई। अब मेरे को जो एक्स्ट्रा एडिशन करना है किस केस में करूंगा, जब मेरा एरिया 3 meter square से ज्यादा होगा। तो कौन सा एरिया आ रहा है मेरा, डोर का एरिया। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग और अच्छे तरीके से कि कैसे हम लोग इसके क्रॉस सेक्शन को डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने यहाँ एक डोर का क्रॉस सेक्शन बनाया है कि कैसे हमारा डोर दिखेगा, जिसमें हमारी जो ये हाइट है वो 2 meter है और उसके साथ में ही जो इसकी लेंथ है, मतलब ये वाली जो डायमेंशन है वो है, ये भी 2 meter है और ये वाली डायमेंशन भी 2 meter है। अब यहां पे मेरे को जो जैम्स सॉफिट्स होते हैं, जो ये पार्ट होता है मेरा, इसको मैं बोलता हूं जैम और ये वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं सॉफिट। अगर मेरा अगर ये विंडो होता तो यहां नीचे से भी पैक होता, उस पोर्शन को हम लोग सील बोलते। इस केस में हमारा जो डोर है वो 3 meter square से ज्यादा है, तो यहां पे मेरे को जो जैम्स और सॉफिट्स है उनके एडिशन करना होगा। किसका एडिशन, जो डोर फ्रेम होता है ये वाला पोर्शन आप जो देख पा रहे हैं, ये जो डोर फ्रेम है ये वाले पोर्शन में भी हमको प्लास्टर करना होगा। तो प्लास्टर करने के लिए हमको इसकी भी क्वांटिटी निकालनी होगी। तो इसकी क्वांटिटी निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसका रनिंग लेंथ निकाल लेता हूं। रनिंग लेंथ निकालने के लिए ये मेरा हो गया 2 meter, ये भी हो गया 2 meter, ये भी हो गया 2 meter, टोटल हो गया आपका 6 meter लेंथ निकल गया। अब मेरे को कौन सा डायमेंशन चाहिए एरिया के लिए, जो उसकी विड्थ होगी। तो आपको यहां पे जो विड्थ लेनी है वो जो आपकी वॉल की विड्थ होगी वही होगी। तो सपोज अगर मेरा यहां 200 mm का वॉल है तो मैं यहां कर दूंगा 0.2 meter। अब मैं इसका अगर एरिया निकालूंगा तो एरिया हो जाएगा आपका 6 into 0.2, दैट इज 1.2 meter square। यहां पे मैंने जो ये एरिया निकाला है, ये एरिया आपका ये जैम्स और सॉफिट जो है उसका एरिया है। यहां पे जो मैंने एरिया ऑफ ओपनिंग निकाली है वो डिडक्शन करना है, मतलब कि ये वैल्यू आपकी माइनस होगी और जो ये वाला एरिया आया है ये एडिशन में आएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जो जैम्स और सॉफिट में आप जो प्लास्टर करेंगे उसकी क्वांटिटी है। तो अगर मैं रिक्वायर्ड एरिया निकालूं इसके लिए, तो रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए मेरे को जस्ट करना है जो मेरी ये वैल्यू आई 60, इसमें मेरे को क्या करना है, ये जो एरिया ऑफ ओपनिंग है इसको माइनस करना है ये वाली वैल्यू। सपोज अगर मैं इसको स्टार दे दूं तो मेरे को यहां पे जो वैल्यू यहां से निकल के आएगी उस वैल्यू को माइनस करना है, और ये जो जैम्स और सॉफिट्स वाला जो एरिया आया है उसको मेरे को ऐड करना है। यहां से आपका एरिया आ जाएगा। अब अगर आप रफ सरफेस पे कर रहे होंगे प्लास्टर, तो रफ सरफेस के लिए जो थिकनेस होती है आपकी वो होती है 15 mm की, और स्मूथ सरफेस के लिए आपका जो थिकनेस होता है प्लास्टर का वो होता है 12 mm। तो यहां पे अगर आपको 12 mm के लिए निकालना होगा तो जस्ट मेरे को इसके एरिया को 12 mm से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करने के बाद सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी निकल जाएगी। और अगर आपको इसका बिल ऑफ क्वांटिटी बनाना होगा तो यहां से जो आपकी क्वांटिटी निकल के आई, क्योंकि हमको जो प्लास्टर का पैसा मिलता है SOR के अकॉर्डिंगली वो स्क्वायर मीटर में ही मिलता है, तो आप वैल्यू को यहां से SOR में जो आपका रेट दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी बिल ऑफ क्वांटिटी बना सकते हैं। अगर आपको उसका क्वांटिटी सर्वे करना होगा तो आपको जस्ट इसमें 12 mm या 15 mm का थिकनेस को मल्टीप्लाई करना है और वहां से सीमेंट सैंड की क्वांटिटी निकालना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं फिर नेक्स्ट डाउट। तो यहां पे मैंने आप लोगों को डिडक्शंस बता दिए प्लास्टर के लिए, उसका प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करके बताया है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे पास जो नवा सागिर जी का मैसेज आया था, जो डाउट आया था कि सर स्कर्टिंग किसको बोलते हैं और एरिया ऑफ स्कर्टिंग में 100 mm कौन सा डेप्थ लिए हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्कर्टिंग होता क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप जो फ्लोर पे टाइल्स लगाते हैं उसके साथ में ही जो हमारी वॉल्स रहती है उसमें भी आप टाइल्स लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर स्कर्टिंग की बात करूं तो ये होती है मेरी स्कर्टिंग।
जिसकी डेप्थ होती है आपकी 100 mm, इसलिए हम लोग 100 mm की ही स्कर्टिंग लगाते हैं। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लोग स्कर्टिंग यूज करने का मेन मोटिव ये है कि आपका जो वॉल है, जैसे कि अगर आप यहां पे क्लीनिंग करा रहे हैं, अगर आपका वाटर स्प्रेड हो जाता है तो वो पानी, ईंट, जो आपकी वॉल में ईंट लगी हुई है वो उस चीज को ना सोख पाए, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे ब्रिक्स में कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो पानी है वो ट्रैवल करेगा और आप देख सकेंगे कि वहां सीपेज स्टार्ट हो गया है, और एक बार सीपेज अगर हो गया तो उस चीज से हम लोग फिर उस चीज को नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए हम लोग पहले ही प्रोटेक्टिव मेजर के लिए जो हमारे वॉल्स है वहां पर स्कर्टिंग लगा देते हैं, ताकि ईंटों में जो हमारे ब्रिक्स हैं उनमें पानी ना जाए और उसके कारण हमारा जो पूरा वॉल है वो खराब ना हो। तो ये होता है स्कर्टिंग जिसको हम लोग यूज करते हैं, और ये याद रखना है बस आप लोगों को कि स्कर्टिंग की जो हम लोग डेप्थ लेते हैं वो 100 mm ही लेके चलते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट डाउट दोस्तों। तो नेक्स्ट डाउट जो है वो पूछा गया है एस नारायण जी ने, जिन्होंने पूछा है कि सर इन कोर्स एग्रीगेट क्वांटिटी ऑफ 10 mm एंड 20 mm एग्रीगेट, मतलब कि जब भी आप लोग कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि अगर मेरा जो वॉल्यूम है कंक्रीट का वो 1 m³ है और यहां पे अगर मैं M25 का रेशियो ले रहा हूं, तो यहां पे अगर मैं सीमेंट की क्वांटिटी निकालूं तो सीमेंट की क्वांटिटी के लिए जस्ट मेरे को 1:1.54 करना है, जो कि उसका ड्राई कोफिशिएंट होता है। M25 के लिए जो रेशियो होता है वो 1:1:2 का होता है। यहां पे मैं सीमेंट का कंटेंट लिखूंगा, जो मेरे रेशियोज होते हैं उनका सम लिखूंगा। अगर मेरे को इसको बैग में कन्वर्ट करना है तो मैं उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके वेट ऑफ वन बैग से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे को यहां से सीमेंट बैग्स में मिल जाएगा। सिमिलरली सैंड के लिए भी हम लोग वैसे ही निकालेंगे। सैंड के लिए आप लोगों को जस्ट मल्टीप्लाई करना है 1.154 इनटू सैंड की क्वांटिटी होती है आपकी 1, और इसका रेशियोस का सम होता है 4। यहां से आप लोगों को सीमेंट जो मिला वो बैग में मिला, यहां से आपको जो सैंड है वो क्यूबिक मीटर में मिल जाएगा। अब बात करें हम लोग एग्रीगेट की, तो एग्रीगेट के लिए सिमिलरली मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा, 1.154 इंटू एग्रीगेट का कंटेंट कितना है इसमें 2, डिवाइडेड बाय उनके रेशियोज का सम कितना हुआ 4। तो यहां से जो मेरी वैल्यू निकल के आई वो आई आपकी 0.77 क्यूबिक मीटर। अब इसमें जो एग्रीगेट है मेरा, इसमें दोनों ही 10 mm और 20 mm के एग्रीगेट दोनों ही यूज किए गए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ 20 mm के साथ साथ 10 mm का एग्रीगेट इसीलिए यूज किया गया है ताकि जो भी वॉइड्स आ रहे हैं उन वॉइड्स को कम कर सके हम 10 mm की हेल्प से, पर मेरे को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करनी है, तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए मेरे को 20 mm का परसेंटेज ज्यादा रखना होगा इन कंपैरिजन टू 10 mm। तो कभी भी आप लोग देखेंगे कि जो हमारा परसेंटेज है, जो हम लोग इसको IS10262 से जो हम लोग मिक्स डिजाइन निकालते हैं, वहां पे आप लोग देखेंगे कि जैसे जैसे मेरा रेशियो बढ़ते जाएगा, जो मेरा 20 mm का एग्रीगेट है उसका परसेंटेज ज्यादा बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जस्ट यहां 10 mm का यूज करते हैं ताकि उन वॉइड्स को क्लियर कर सके। तो यहां पे जो मेरा 10 mm और 20 mm का एग्रीगेट है, मैं उसको इसमें कैसे डिवाइड करूंगा? सपोज इसको हम लोग एक ने मिक्स डिजाइन में बनवाया, मिक्स डिजाइन से मेरे को पता चला कि मेरे को 10 mm का जो एग्रीगेट है वो 30% यूज करना है उसके टोटल से, और 20 mm का एग्रीगेट जो है वो मेरे को यूज करना है 70%। ये आप लोगों को पता चलेगा मिक्स डिजाइन के हेल्प से कि आपको कितने परसेंट में कौन से एग्रीगेट को डालना है। तो यहां पे अगर मैं 0.77 क्यूबिक मीटर को 10 mm में डिवाइड करूं तो जस्ट मेरे को करना है 0.77 इंटू 0.3, और अगर 20 mm के एग्रीगेट के लिए निकालना होगा तो मैं करूंगा 0.77 इंटू जो मेरा 20 mm का परसेंट था वो था 0.70। यहां से मेरे को 10 mm और 20 mm के लिए एग्रीगेट की क्वांटिटी मिल जाएगी कि कितना यूज होगा, वो चीज आप लोगों को पता चलेगी मिक्स डिजाइन के थ्रू। वहां आप लोगों को क्लियरली मेंशन होता है वाटर सीमेंट रेशियो, आपको सीमेंट का परसेंट कितना रखना है, सैंड एग्रीगेट का कितना रखना है, एग्रीगेट में 20 mm 10 mm का परसेंटेज कैसे रखना है,
ये सब चीजें आप लोगों को मिक्स डिजाइन में पता चल जाएंगी। तो जैसे कि दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों से बात किया डाउट के बारे में, जो भी हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनर के इंजीनियर्स हैं, जो भी हमारे गुरुजी के खजाना कोर्स जिन्होंने परचेस किया है उसके इंजीनियर जिन्हों के जितने डाउट थे वो मैं लेके आया हूं आज आप लोगों के लिए। उसके साथ साथ में यूट्यूब में भी आप लोगों ने जो हमसे क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। तो अगर आपको ये कंटेंट, ये टॉपिक अच्छा लगा होगा तो यार लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। पहली बार मैं वीडियो में एम कर रहा हूं 1000 लाइक्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब बटन में भी क्लिक कर दीजिए ताकि आगे जो भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा सिविल गुरु जी के साथ। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरुजी के